क्या बात हुई कि पवन सिंह का एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जो कि इतना ज़बरदस्त गाना है कि उसे हिट होना ही चाहिए था, वो फ्लॉप हो गया। जी हाँ, हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि पवन सिंह के बैक टू बैक दो गाने फ्लॉप हुए, एक जय श्री राम वाला और दूसरा रूप में धूप। जी हाँ, इन दोनों गानों को एवरेज से भी कम व्यूज़ आए हैं। हम इसलिए एवरेज से कम कह रहे हैं कि दो दिन में अगर आप देखेंगे तो रूप में धूप को सिर्फ 4.5 लाख व्यूज़ आए। चैनल पर ये गाना रिलीज़ हुआ था, वो यूट्यूब चैनल अच्छा खासा सब्सक्राइबर वाला चैनल है। फिर क्या हुआ जो पवन के फैंस को ये गाना पसंद नहीं आया? क्या भोजपुरी में सिर्फ लटके झटके और इसी तरह के गाने चलेंगे? कभी भी सूदिंग नंबर, रोमांटिक, इस तरह का प्यारा नंबर नहीं चलेगा। और फिर हम लग जाते हैं अपने भोजपुरी स्टार्स को ब्लेम करने कि किस तरह का फूहड़ गाना लेकर आए हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। खैर, जय श्री राम वाले गाने की भी बात करेंगे। गाना 1 मिलियन व्यूज़ तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन आपको पता होगा इससे ज़्यादा अक्षरा का गाना व्यूज़ में आगे है। 4 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है उस गाने ने, और रितेश के गाने ने 1.5 मिलियन से भी ऊपर। जहां लोग पवन या खेसारी या फिर किसी भी बड़े स्टार पर फिर इस तरह का ब्लेम न लगाएं कि इनकी तरफ से कभी कोई गाना अच्छा आता ही नहीं है, जहां मीठा मीठा बात है कमरिया को 17 मिलियन और भतीजुआ का मौसी जिंदाबाद को 200 मिलियन व्यूज़ पहुंचाया गया, वहीं पर इन दोनों से भी काफ़ी बेहतर गाना है रूप में धूप। जिस तरह से पवन सिंह ने अपनी वॉइस के साथ खेला है, या यूं कह ले कि वॉइस में जो चेंजेस लाई है, वो आसान काम नहीं होता। भोजपुरिया दर्शक शायद ये सब कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते। रही बात जय श्री राम के बारे में, नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है आप कौन सा गाना सुने या ना सुने। लेकिन जब भी व्यूज़ की बात आती है, लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पवन सिंह अगर कोई गाना रिलीज़ करते हैं तो उन्हें, अगर बड़े किसी चैनल से रिलीज़ करते हैं तो उन्हें व्यूज़ तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इन दोनों गाने अपवाद हो चुके हैं। ये दोनों गाने हम कह सकते हैं कि एक तरह से एवरेज से भी कम फ्लॉप गाने हैं ये दोनों, जबकि रूप में धूप एक बहुत ही बेहतरीन गाना है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।